मित्रों लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से तो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, कोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, उस सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त तो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को, 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए,
व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज सातवें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिलता है, अभी प्रातः काल वहाँ मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है। जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।